तो गाइस इंडियन बैक्सियो ड्राइंग 3D के अंदर प्रैंकलिंग ने अपने घर को चेंज कर दिया एक सिनेमा हॉल में। तो आखिर प्रैंकलिंग ने ये सब क्यों किया, जानेंगे आज की इस वाले वीडियो के अंदर। तो चलो यार भाई, अच्छे से साफ सफाई हो चुका है और पेंटिंग भी अच्छे से लगा दिया हूँ। और वेट यार, ये कॉल किसका आ चुका है? अरे मेरा मोबाइल कहाँ पर है, चलो उठाता हूँ। कॉल किसका है? अरे ये तो मेरा दोस्त पिंटू का कॉल है। हेलो, हाँ भाई बोलो, क्या बात है? और भाई प्रैंकलिंग क्या कर रहे हो? अरे भाई कुछ नहीं, बस घर की साफ सफाई कर रहा था। बोलो क्या काम है? अरे भाई हम सारे दोस्त मिलकर जा रहे दूसरे सिटी के अंदर मूवी देखने के लिए, तू चलेगा क्या? चलो। क्या मूवी देखने के लिए? वही सिनेमा हॉल में देखेगा ना? अरे हाँ भाई, सिनेमा हॉल के अंदर ही देखूंगा मूवी, चलो जाएगा क्या? क्या मूवी देखना और मैं देखता हूँ, लेकिन आज तो यार मेरा काम है। लेकिन सुनो ना, हमारे सिटी के अंदर एक सिनेमा हॉल नहीं है। अरे भाई तुमको तो पता ना कि हमारे सिटी के अंदर एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। अरे हाँ यार भाई, लेकिन सुनो ना, अगर हमारे सिटी के अंदर सच में एक बड़ा सा सिनेमा हॉल रहता तो कितना अच्छा रहता ना। अरे हाँ यार भाई, रहता तो अच्छा रहता। अगर देखो मैं अभी जा रहा हूँ दूसरे सिटी के अंदर मूवी देखने के लिए, और वही अगर हमारे सिटी के अंदर एक बड़ा सा सिनेमा हॉल रहता तो अपने सिटी के अंदर मूवी देखता था ना। और अभी जा रहा हूँ दूसरे सिटी के अंदर मूवी देखने के लिए, बोलो। वैसे भाई तुम चलो मूवी देखने के लिए, नहीं जाएगा क्या? अरे नहीं यार भाई, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मुझे अभी काम है। ठीक है चलो बाय। चलो यार भाई, कॉल कट हो चुका है। अरे मैं कॉल करते करते यहाँ पर आ गया जिम रूम में, यार मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ आ गया। ठीक है, वैसे यार गाइस मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक बड़ा सा सिनेमा हॉल अगर खोल दूँ अपनी सिटी के अंदर तो काफी ज्यादा चलेगा यार, क्योंकि यार भाई हमारे सिटी के अंदर एक भी सिनेमा हॉल नहीं है और हमारे सिटी के अंदर जो लोग है वो दूसरे सिटी के अंदर जाते हैं मूवी देखने के लिए। तो वही यार गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अपने सिटी के अंदर एक बड़ा सा सिनेमा हॉल खोल दूं, लेकिन सिनेमा हॉल खोलने के लिए तो काफी ज्यादा पैसा चाहिए और अपने घर को बेच नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं घर को बेच दिया तो मैं रहूंगा कहाँ। वैसे मेरे पास एक ओल्ड वाला हाउस तो है, उसी ओल्ड हाउस को मैं बेच देता हूँ, ठीक है, उससे तो आराम से 4-5 लाख तो आ ही जाएंगे और 4-5 लाख से मेरा सिनेमा हॉल भी खुल जाएगा। लेकिन मैं सिनेमा हॉल खोलूंगा कहाँ? आइडिया गाइस, मैं अपने न्यू हाउस को एक सिनेमा हॉल में चेंज कर देता हूँ। हाँ ये सही रहेगा, अपने घर को एक सिनेमा हॉल में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मुझे जमीन खरीदना भी ना पड़े, और अपने घर को एक बड़ा सा सिनेमा हॉल में कन्वर्ट कर दूंगा तो भाई काफी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो अभी यार मैं जा रहा हूँ ओल्ड वाले हाउस में। ठीक है, इस वाले ओल्ड हाउस को मुझे आज के आज ही बेचना है। ठीक है, लेकिन यार गाइस मैं अपने ओल्ड वाले हाउस को बेचूंगा किसको? उसके लिए कस्टमर भी तो चाहिए। एक काम करता हूँ, मेरे पास एक भाई का नंबर है, इसको फोन करता हूँ और उसी आदमी से मैं पूछता हूँ कि कोई घर लेगा क्या, मतलब भाई लेगा। ठीक है, तो चलो उसको पहले कॉल करके पूछ लेता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर अपना सेलफोन निकाल लिया हूँ। ठीक है, चलो सेलफोन आ चुका है और यहाँ पर कॉल भी लग चुका है। हेलो भाई, हाँ मैं फ्रैंकलिन बोल रहा हूँ, कोई घर लेगा क्या? मैं बेच रहा हूँ। अच्छा, तो तुम अपने घर को बेचोगे ना? ठीक है, तो मेरे पास एक कस्टमर है, मैं तुम्हारे पास बेचता हूँ। ठीक है, तुम अभी हो कहाँ? अरे भाई मैं अपने ओल्ड हाउस के सामने में अभी हूँ। ठीक है, और अपने ओल्ड हाउस को मैं बेचूंगा, तो अपने कस्टमर को जल्द से भेजिए ना यहाँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ, वैसे उसका नाम है राजेश। ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। तो चलो यार भाई, मेरे पास अभी आ रहा है एक राजेश नाम का लड़का जो कि मेरे इस वाले ओल्ड हाउस को खरीदने वाला है। वो अभी आया नहीं है, चलो वेट कर लेता हूँ। ठीक है, कब आएगा यार, काफी टाइम हो चुका है। चलो यार, अरे तुम कौन हो? अरे भाई मैं हूँ राजेश, तुम्हारे घर को खरीदूंगा ना। अरे हाँ भाई, हाँ बोलो बोलो भाई। ये वाला घर का दाम है 4-5 लाख दाम है यार। क्या भाई, क्या बात कर रहे हो, ये मामूली से घर को तुम 5 लाख में बेच रहे हो? ये 5 लाख में तुम्हारे इस वाले घर को कोई नहीं खरीदेगा। अरे यार भाई ये घर बहुत ही अच्छा है। अच्छा 5 लाख नहीं तो 4 लाख दे दो। नहीं नहीं 4 लाख नहीं, 3 लाख दूंगा। बोलो दोगे तो दो, नहीं तो जाता हूँ अभी। अरे यार भाई 4 लाख में ले लो ना, बहुत अच्छा घर है। देखो 2 फ्लोर का घर है, ऊपर नीचे और साथ में सीढ़ी भी है। साथ में भाई देखो बाहर में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है। तो प्लीज भाई 4 लाख में इस वाले घर को ले लो ना। अच्छा ठीक है भाई, मैं 4 लाख में इस वाले घर को ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं पेमेंट ऑनलाइन करूंगा, चलेगा ना? अरे हाँ भाई चलेगा। ठीक है, चलो गाइस फाइनली घर तो बिक चुका है, पेमेंट भी आ चुका है पूरा 4 लाख। ठीक है, तो चलो अभी सामान का ऑर्डर कर देता हूँ। हेलो, हाँ सामान चाहिए सिनेमा हॉल का, कब तक? 2 घंटा। अच्छा ठीक है, मैं वेट करता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। चलो यार गाइस फाइनली मैंने सिनेमा हॉल का पूरा सामान का ऑर्डर कर दिया हूँ। ठीक है, बाहर से सारा सामान आ रहा है और सामान आएगा भाई हमारे एयरपोर्ट में, क्योंकि प्लेन से सारा सामान आ रहा है। ठीक है, चलो यार गाइस मैं अभी जा रहा हूँ सबसे पहले सामान लेने के लिए एयरपोर्ट। ठीक है, वहीं पर अभी सारा सामान अभी आने वाला है। ठीक है, तो चलो अभी जाते हैं सबसे पहले एयरपोर्ट। और गाइस आप लोग ये सोच रहे हो कि अपने ओल्ड हाउस को क्यों बेच दिया? ठीक है, एक सिनेमा हॉल की वजह से। तो भाई सिनेमा हॉल में जितना मुझे प्रॉफिट होगा ना, उसको जमा करके फिर से मैं ओल्ड वाले हाउस को खरीद लूंगा यार, यही तो मेरा आइडिया है गाइस। तो चलो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट के बाहर में। ठीक है, तो चलो यार भाई मैं अपनी बाइक को यहीं पर रख देता हूँ, जब तक हमारा प्लेन नहीं आता तब तक मैं यहीं पर वेट करता हूँ। ठीक है भाई, कब तक प्लेन आएगा यार? ये प्लेन क्यों नहीं आ रहा अभी तक? बोला था 2 घंटा और अभी 2 घंटा 10 मिनट हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। और भाई फाइनली प्लेन आ चुका है।
चलो भाई फटाफट से जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर, हमारा सारा सामान भी आ चुका है। चलो तो चलो अपनी बाइक को उठाता हूँ और जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो फाइनली गाइस यहाँ पर हमारा सारा का सारा सामान आ चुका है और यहाँ पर देखो भाई सोफा वगैरह, भाई हमारा पूरा का पूरा सिनेमा हॉल का सामान आ चुका है। ठीक है यार, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखो भाई पोस्टर वगैरह सारा कुछ आ चुका है। ठीक है और भाई ये सब सामान का पूरा चालक मैं आपके अकाउंट में डाल दिया हूँ, ठीक है आप देख लो। अच्छा सुनो भाई, मैं इस सारे सामान को अपने घर तक कैसे ले जाऊंगा? सॉरी भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप एक ट्रक मंगवा लो। अरे यार ये अब ट्रक कहाँ पर मिलेगा? अरे ये क्या है, ट्रक यहाँ पर है? तो चलो भाई इसका लोकेशन मुझे पता है। यार गाइस मैं अभी जा रहा हूँ अपने ट्रक ट्रॉली को लेने के लिए, क्योंकि भाई उसमें सारा सामान को लोड करके अपने घर तक ले जाना है ना, इसलिए मैं जा रहा हूँ ट्रक ट्रॉली को लेने के लिए। ट्रक ट्रॉली गाइस मुझे कहाँ पर मिलेगा ये मुझे पता है। ठीक है तो ये जो भाई आप लोग को एक चैलेंज देखने को मिल रहा है ना भाई, इस वाले चैलेंज को अगर मैं इजीली से कम्प्लीट कर लेता हूँ तो गाइस मुझे मिल जाएगा एक बड़ा सा ट्रक ट्रॉली। ठीक है तो चलो भाई फटाफट से चैलेंज को कम्प्लीट करता हूँ। भाई मुझे इस वाले चैलेंज में ना सबसे पहले भाई कंटेनर और ये टर्बोफैन से बच के निकलना है, नहीं तो भाई ये कंटेनर और ये टर्बोफैन ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो इन्हीं दोनों से मुझे बच के आगे निकलना है। ठीक है तो चलो यहाँ से मुझे एकदम अच्छे से जाना है। चलो चलो, अरे रुक जा भाई रुक जा। अरे 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 भाई ये क्या कर दिया यार तूने? अरे अरे अच्छे से प्रैंकलिंग अच्छे से भाई, गिनना मत यार। चलो चलो थोड़ा, क्या बात है। चलो अरे यार ये झाड़िया सब आ चुका है बीच में भाई, यहाँ पर खाई है, ये क्या है मुझे मतलब लिटरली पता नहीं है। तो चलो अच्छे से धीरे धीरे भाई, कुछ तो नहीं है। अरे वेट भाई यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा टर्बो फैन है, तो चलो अच्छे से अरे भाई रुक जा मेरे भाई। चलो भाई यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है कंटेनर को आने दो और फिर निकलते हैं। चलो चलो अब आराम से चलो, ठीक है यहाँ कोई डर नहीं है। ठीक है अरे अरे भाई सब अच्छे से भाई अच्छे से क्या बात है। चलो अब इसके ऊपर मैं जाता हूँ फटाफट से, आराम से यहाँ से जम नहीं करना है, आराम से जाना है, क्या बात है यार। चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, ठीक है चलो भाई यहाँ भी आ चुका है। चलो अब इसको भी पार कर लेता हूँ अच्छे से। चलो 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 भाई चलो यार, क्या बात है यार मेरे भाई। चलो भाई यहाँ पर मुझे एकदम सावधानी से जाना पड़ेगा, ठीक है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो मुझे अच्छे से जाना पड़ेगा। ठीक है चलो यहाँ पर अच्छे से अपनी बाइक को घुमा लिया हूँ, अब जाते हैं। ठीक है इसके सामान होने दो और फिर मैं निकलता हूँ, जो होगा देखा जाएगा यार। चलो इसके सामान आ चुका है, निकलते भगवान का नाम लेकर और फाइनली गाइस यहाँ पर मैं किसी तरह आ ही गया। ठीक है और वेट यार भाई इतना पतला सा रास्ता यार, अच्छे से प्रैंकलिंग गिनना मत। ठीक है अरे अरे चल अच्छे से, क्या बात है। चलो भाई आगे में कितना ज़्यादा झाड़ियाँ है और साथ में एक दो टर्बोफैन भी है, तो इनसे तो मुझे कुछ होगा नहीं, मतलब ये टर्बोफैन से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है चलो चलो आराम से यार, नहीं तो अभी नीचे गिर जाता। ठीक है चलो यहाँ से थोड़ा सा जंप कर दे। अरे रुक जा चलो भाई। अरे यार भाई ये कंटेनर अभी रोटेट कर रहा है। अरे यार मुझे अभी यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ठीक है चलो वेट कर लेता हूँ। ठीक है चलो भाई क्या बात है, चलो वेट कर ले आऊँ। चलो अब निकलो फटाफट से निकलो। अरे यार यहाँ पर भी मुझे वेट करना पड़ेगा। चलो ये कंटेनर आ चुका है, अब फटाफट से निकलो यार, ये पीछे ले रहा है। अरे यार ये टर्बोफैन का फैन आ चुका है ना, तो यहाँ पर यार गाइस मेरे को फिर से वेट करना पड़ेगा यार। जल्दी आ यार मुझे लेट हो रहा है, जल्दी जाना भी है, जल्दी आ जा भाई, आ जा। चलो भाई आ चुका है, अब निकलते हैं फटाफट से निकलते हैं। चलो ये भी आ चुका है, चलो फटाफट से निकलो यार फटाफट से, क्या बात है। और फाइनली गाइस यहाँ पर मुझे मिल चुका है एक ट्रक ट्रॉली, तो चलो इसके अंदर मैं बैठ चुका हूँ। ठीक है और अपने बाइक को यहीं पर रख देता हूँ, बाद में आकर ले जाऊँगा। ठीक है चलो यहीं से जंप कर देता हूँ अपने ट्रक ट्रॉली को लेकर। चलो भाई यार अच्छे से लैंड कर दे मेरे भाई, अच्छे से, क्या बात है। चलो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है चलो अब इसको लेकर के जाते हैं डायरेक्ट हम लोग एयरपोर्ट के अंदर और सारे सामान को लोड करता हूँ और फिर आता हूँ अपने घर में, सारे सामान को ऑनलोड करता हूँ। ठीक है तो चलो भाई आराम से जाते हैं ट्रक ट्रॉली को लेकर। भाई मुझे ट्रक ट्रॉली चलाने को आता नहीं है और फिर भी मैं चला रहा हूँ, तो चलो अच्छे से फाइनली गाइस यहाँ पर मैं सारे के सारे सामान को लोड कर दिया हूँ और अभी मैं लेकर जा रहा हूँ अपने घर। ठीक है यार ये सारे सामान की वजह से ये पूरी की पूरी ट्रक अभी भारी हो चुका है, तो चलो आराम से ले जाता हूँ, आराम से। चलो यार अभी घर पहुँचने वाले हैं। ठीक है चलो चलो, तो फाइनली यार गाइस हमारा रेडी हो चुका है एक बड़ा सा सिनेमा हॉल में,
तो आप लोग अभी मेरे को कमेंट करके सबसे पहले बता दो कि आप सभी को ये बड़ा सा सिनेमा हॉल कैसा लगा। एंड साथ में भाई आप लोग ये भी देख लो कितने सारे लोग आ चुके हैं हमारे सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए। और इस जगह में गाइस हमारा स्विमिंग पूल था, उसको हटा कर गाइस यहाँ पर मैं छोटा सा एक गार्डन जैसा बना दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो भाई कितने छोटे छोटे मछलियां आराम से तैर रहे हैं, वाह भाई कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग आ चुके हैं और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा मूवी देखूंगा, और अपनी बड़े बड़े कार और थार लेकर आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो भाई हमारा मूवी का पोस्टर लग चुका है, ठीक है। आज जो मूवी चलने वाला है वो एवेंजर्स मूवी चलने वाला है, ठीक है। और इधर भी गैस मैंने हाउस के ऊपर में एक एवेंजर्स मूवी का पोस्टर लगा दिया हूँ, ठीक है। और सारे लोग गैस आज एवेंजर्स मूवी देखने वाले हैं इसी सिनेमा हॉल के अंदर, ठीक है। तो चलो अभी आप सभी को सबसे पहले अंदर का नजारा दिखा देता हूँ कैसा है, ठीक है। तो चलो अभी जाते हैं सबसे पहले अंदर में गाइस। और यहाँ पर भी देख सकते हो भाई कितने सारे लोग खड़े हैं मूवी देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ सिनेमा हॉल के अंदर में। तो ये रहा गाइस हमारा टिकट काउंटर, और यहाँ पर एक पोस्टर लगा है एवेंजर्स का, अवतार का और स्पाइडर मूवी का, ठीक है। तो ये सारा मूवी आज ही चलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले चलने वाला है हमारा एवेंजर्स मूवी, ठीक है। और ये दोनों अभी बैठे हैं बाहर में, जो कि हस्बैंड और वाइफ होंगे, ठीक है। तो ये रहा गाइस हमारा टिकट काउंटर, यहाँ पर टिकट कटवाया जाता है, ठीक है, मूवी के लिए। और ये देखो भाई हमारे सिनेमा हॉल के अंदर पुलिस वाले भी आ रहे हैं, और यहाँ पर एक मैंने बोर्ड लगवाया हूँ जो कि वेलकम का बोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने दुकान में, जो कि भाई पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक पुलिस भाई साहब और शायद उसका गर्लफ्रेंड होगी बैठे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक पोस्टर लगाया हूँ, यहाँ पर एक भूतों का शायद पोस्टर है, ठीक है। चलो यहाँ पर पोस्टर लग चुका है। और यहाँ पर ये रहा भाई हमारा कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न का दुकान, ठीक है। यहाँ पे लाइन लगा हुआ है पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। तो चलो यार गाइस अभी आप सभी को दिखा देता हूँ कि हमारा मूवी कहाँ पर चलता है, और साथ में गाइस हमारा एक सबसे बड़ा भाई गेम जोन भी मैंने बनवाया हूँ, ठीक है। तो ये रहा गाइस हमारा जिम रूम, और इसी जिम रूम को मैंने बनवा दिया हूँ एक गेम जोन में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं और तरह तरह के गेम खेल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने सारे लोग आ चुके हैं जो कि अपने अपने मनपसंद का गेम खेल रहे हैं, ठीक है। एक भाई साहब यहाँ पर कौन सा गेम खेल रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक गेम चल रहा है, और यहाँ पर भी गेम चल रहा है, और यहाँ पर एक अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड शायद हैं जो कि बैठे हैं, ठीक है। इनको काम है नहीं और बैठे चले आते हैं, कुछ काम नहीं है ऐसे बस चले आए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उनको बैठने दो, ठीक है। तो ये रहा गाइस हमारा मूवी हॉल, और इस वाली मूवी हॉल के अंदर भी चल रहा है एवेंजर्स का मूवी, जो कि काफी सारे लोग आकर के बैठे हैं और मूवी का मजा ले रहे हैं। बाकी गाइस आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा यार मेरे को सबसे पहले कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो चलो फिर गाइस मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में आप लोग इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर देना।